हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। देश में हो रहे नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिन पर दिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस के बिहेवियर को लेकर भी स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर लोग अपनी राय देकर भी विवादों में घिर रहे हैं और चुप्पी साधने पर भी उन पर सवाल उठ रहा है। इस बीच एक्टर पुलकित सम्राट ने नागरिकता संशोधन कानून और जामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा को लेकर ट्वीट किया, जिसमें लिखा था, विध्वंसक अलोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध शायद यही हम बनते जा रहे हैं। ये वो भारत नहीं है जहां हम पैदा हुए थे। पुलकित ने नागरिकता कानून पर एक टिप्पणी क्या कर दी, सोशल मीडिया पर एक नई बहस ही शुरू हो गई। बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने पुलकित के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा, जामिया के छात्रों की हरकत विध्वंसक अलोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध थी, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, भारत एक महान देश है और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहेगा भी। छात्रों को गुंडों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये ट्विटर वॉर यही खत्म नहीं होता है। पुलकित सम्राट ने एक बार फिर अशोक पंडित के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, सर मैं इस देश के समझदार नागरिकों से बात कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं है, ये उन नागरिकों के लिए है जो शायद आगे चलकर हमारे देश के नागरिक ना रहे अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे तो, और सिर्फ ध्यान खींचने के लिए इस बातचीत में अपनी नाक घुसाने का अच्छा काम किया है आपने, ईश्वर आपको जल्द ठीक करे। इसके बाद भी ये बहस रुकी नहीं। अशोक पंडित ने भी उनसे मिलता जुलता ही बयान देते हुए लिखा, सर मैं भी देश के नागरिकों से बात कर रहा था, नॉट ए पर्सनल अटैक ऑन यू। लेकिन आखिर में पुलकित ने अशोक पंडित को मजाकिया अंदाज में ही करारा जवाब दे डाला और कहा, बहुत वेले हैं सर आप, व्यस्त रहिए और मुझे कभी मत मिलिएगा। इस पर भी अशोक पंडित चुप नहीं रहे, उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा, वेले को सब वेले नजर आते हैं, आपको मिलने का कोई शौक नहीं है मुझे, जबरदस्ती गले क्यों पड़ रहे हो भाई। बता दें कि सोशल मीडिया पर इनकी इस बहस के चलते ट्विटर पर पुलकित का नाम ट्रेंडिंग में चल रहा था, जिस पर लोगों के भी अलग अलग तरह के रिएक्शन आ रहे। वैसे पुलकित सम्राट के अलावा अनुराग कश्यप, ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर जैसे कई स्टार्स ने भी जामिया स्टूडेंट्स के सपोर्ट में अपनी आवाज उठाई है।